हमारा सफर रवा दवा है और हमें निकले हुए 2 घंटे हो चुके हैं, मजीद 1 घंटे का सफर है। इंशाल्लाह 1 घंटे में पहुंचेंगे और फिर आपको बताएंगे कि हम कहाँ गए। आप भी सोचें कि हम कहाँ जा रहे होंगे। हमें पहाड़ों पे और जितना हम ऊपर जा रहे हैं इतना मौसम ठंडा हो रहा है, हवाएं ठंडी चल रही हैं और सेंटीग्रेड जो है वो कम होता जा रहा है। देखते हैं कि हम कहाँ पहुंचते हैं, इंशाल्लाह आप भी देखिएगा। रास्ते में ये नज़ारे देखे आप बंदर के, लोग इनको केले दे रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें दे रहे हैं, फ्रूट दे रहे हैं और ये मजे कर रहे हैं। बंदर ही बंदर है रोड पे भाई, बंदर ही बंदर है। ये देखिए लड़ रहे हैं आप, जंग हो गई। बहुत ही खतरनाक रोड्स हैं और यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल से गाड़ी ड्राइव हो रही है। मुनीब जो है वो ड्राइव कर रहा है गाड़ी और मुमैन जो कलमे पढ़ रहा है। बोला नहीं जाना, एंड में आके आखिर में आके बोले नहीं जाना। जिद भी इसी की थी और अब ये बोल रहे हैं कि नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, अब जाना है, अब इतना आगे सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव है, हम पहुंचने वाले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी मैनी व्लॉग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमें कहाँ जाना है ये व्लॉग देखेंगे। इसलिए उमैन कह रहे हैं नथिया गली का, लेकिन हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं। आप व्लॉग एंड तक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी करते हैं नाश्ता। नाश्ता करने हम पहुंच गए होटल और आज मुझे कोई मेन्यू नहीं दिया। क्यों? वजह है कि उनकी तबीयत नासाज है, उनके पेट में दर्द है। तो मुझे और मैम को फैसला करना था कि क्या मंगवाना है नाश्ते में, तो हमने ऑर्डर कर दिए। आ चुका है अंडा, पराठा और मलाई। अब करते हैं नाश्ता। नाश्ता करके होटल आ गए थे, अब हम जा रहे हैं। तू जा कर रहा है? कहाँ जा रहे हैं? व्लॉग एंड तक देखेगा तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। यो बात भी सही है। हम होटल से निकल गए हैं सफर के लिए और यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। पिंडी इस्लामाबाद में यहाँ का मौसम थोड़ा सा गर्म है और हम सफर पे जा रहे हैं। आप लोग देखते रहेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। सफर हवा दवा है और हम हैं पहाड़ों पे जा रहे हैं और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। अभी जहां हम जा रहे हैं वो 42 किलोमीटर है। हमें निकले हुए 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, मजीद 1 घंटे का सफर है। फिर हम आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं कि हम कहां पहुंचे और कहां जा रहे हैं। हमारा सफर रवा दवा है और हमें निकले हुए 2 घंटे हो चुके हैं, मजीद 1 घंटे का सफर है। इंशाल्लाह 1 घंटे में पहुंचेंगे और फिर आपको बताएंगे कि हम कहाँ गए। अरे 1 दिन में कितना बोलेगा? आप भी सोचें कि हम कहाँ जा रहे होंगे। हमें पहाड़ों पे और जितना हम ऊपर जा रहे हैं इतना मौसम ठंडा हो रहा है, हवाएं ठंडी चल रही हैं और सेंटीग्रेड जो है वो कम होता जा रहा है। देखते हैं कि हम कहाँ पहुंचते हैं, इंशाल्लाह आप भी देखिएगा। रास्ते में ये नज़ारे देखे आप बंदर के, लोग इनको केले दे रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें दे रहे हैं, फ्रूट दे रहे हैं और ये मजे कर रहे हैं। ये देखे आप, बावला है। बंदर ही बंदर है रोड पे भाई, बंदर ही बंदर है। ये देखिए लड़ रहे हैं आप, जंग हो गई। हमें निकले हुए 4 घंटे हो गए, हम 1 बजे निकले और बस हम अपनी जगह पे पहुंचने वाले हैं। रास्ते में ही है और एक जगह हम ढूंढ रहे हैं, इसको सर्च कर रहे हैं। उस जगह पे पहुंच के हम आपको बताते हैं कि हम क्या ढूंढ रहे थे। हमारे साथ ही 4 लोग चल रहे हैं रास्ता बताने के लिए। ये अच्छे लोग हैं हमारी तरह। और जो हम जगह ढूंढ रहे हैं, मैं भी यहाँ कभी नहीं आया, फर्स्ट टाइम आया हूँ। उससे मरी वगैरह तो काफी गए और काफी मरतबा गए, तो इस दफा हमने सोचा कि कोई नई जगह हो जहाँ हम ना गए हों, तो ये लोग हमारे साथ हैं। बहुत ही खतरनाक रोड्स हैं और यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल से गाड़ी ड्राइव हो रही है। ये तो नहीं था, मुनीब जो है वो ड्राइव कर रहा है गाड़ी और मुमैन जो कलमे पढ़ रहा है। बोला नहीं जाना, एंड में आके आखिर में आके बोले नहीं जाना। जिद भी इसी की थी और अब ये बोल रहे हैं कि नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, अब जाना है, अब इतना आगे
सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव है, हम पहुंचने वाले हैं। अब मैं सरप्राइज खत्म कर रहा हूँ और हम लोग पहुंच गए नथिया गली वाटरफॉल पे, जहाँ हम कभी भी नहीं आए। आपको ले चलते हैं, हम जा रहे हैं वाटरफॉल पे। आई न्यू इट, आप भी देखिएगा कैसा है। मैम को जैकेट नहीं मिल रही है वाटरफॉल के लिए, और ये देखिए इसे जैकेट निकाली है मुनीब के लिए, इसको मिल ही नहीं रही है। 15-20 मिनट हो गई, यहाँ मगरिब करवाएगा हमारी। हम आ गए वाटरफॉल पे और आपका इंतजार खत्म हुआ, आपको दिखाते हैं वाटरफॉल। ये वाटरफॉल नथिया गली का, हाँ मैं पहुंच गया आप नथिया गली। नथिया गली तो पहुंच गए, नथिया गली का वाटरफॉल देखने के लिए आए थे। कैसा लगा? ठीक है, इतना कोई खास वाटरफॉल। तू हमेशा इतना नेगेटिव क्यों सोचता है? अच्छा, इतनी ऊंचाई पर आए इतने खराब रास्ते से, अब हमें क्या होता था ऐसा वाटरफॉल हो। लेकिन अच्छा मुनीब, नहीं सर्विस आ रही है। कैसा लगा वाटरफॉल? बहुत खतरनाक है भाई वाटरफॉल, डूबने के चांसेस ज्यादा है इधर। लोगों से एहतियात की अपील है। यार तुम गाड़ी चलाओ, तुम जबान मत चलाओ। कश्तियाँ और जैकेट साथ लेके, सर्दी का कोई नाम होना निशान नहीं है इधर भाई। जिस तरह का हम सोच रहे थे वाटरफॉल का, उस तरह का वाटरफॉल हमें मिला नहीं। हम क्या यार, बहुत दूर आए हैं, 4 घंटे का सफर तय किया हमने, लेकिन बाहर यहाँ पर हम पहुंचे तो हमें वाटरफॉल ये देखने को मिला। कितनी अच्छी सीनरी है माशाल्लाह, कितनी खूबसूरती है। अल्लाह ताला की करिश्मे, अल्लाह ताला की कुदरत का कमाल है। गाड़ी निकालो 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 निकालो, रिवर्स कराओ रिवर्स कराओ, रिवर्स कराओ रिवर्स कराओ, निकालो 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 निकालो, ये तो चला ही नहीं रहा भाई। हम नथिया गली आए थे वाटरफॉल पे और हमें बस सही लगा, मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है। मैम कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, मौसम अच्छा था, वहाँ का ठंडी हवा चली थी और ग्रीनरी अच्छी थी, बाकी नज़ारे बहुत अच्छे थे वहाँ पे, मजा आया। अब जाके तेरी बातों में वजन आया। चल एंजॉय एंजॉय। रोड थोड़ा खतरनाक है लेकिन मजा बहुत आया। हाँ रोड तो बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजर है, लेकिन ठंड है, मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए बहुत मजा है। बहुत सारे लोग भी आए यहाँ पर विजिट करने के लिए, बहुत सारे लोग हैं, इतनी सारी फैमिलीज आई हैं। हाँ काफी फैमिलीज हैं वो जो यहाँ पे आई हुई हैं, और मुनीब जो है गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। नथिया गली से इस्लामाबाद जा रहे हैं, अब 5:15 का टाइम हो रहा है, इंशाल्लाह 4 घंटे में हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। सेंटीग्रेड थी, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी थी कि बर्दाश्त नहीं होती थी। बहरहाल तकरीबन 4 से 5 घंटे में लगे और हम होटल पहुंच गए, और आपको मैं दिखाता हूँ। मैम आराम कर रहे हैं, मेरे बैठिए, मैं आराम कर रहे हैं। 4 से 4.5 घंटे जो है ड्राइव किए मुझे, और उमैम जो है वो सोता रहा पूरे रास्ते। हाँ उमैम मज़ा आया मुझे गली में? बहुत थक गए, बहुत लंबा रास्ता था। 4.5 घंटे लगे, बहुत लंबा रास्ता था। अभी कुछ देर हम आराम करेंगे, इसके बाद शायद हम खाना खाने जाएंगे रात को। खाना खाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, एक होटल पता की है मुनीब ने, ये बहुत अच्छी होटल है, तो जाते हैं वहाँ, देखते हैं कि कैसी होटल है और खाना वहाँ का कैसा है। ये रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत शदीद वाला एक्सीडेंट हुआ है,
लगता नहीं कि बंदा बचा होगा। ठीक है यार, रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत एंट्री है और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, इसका खाना भी अच्छा होता है और आज टेस्ट करेंगे कि कैसा खाना है। खाना वगैरह खा लिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी खाना था। मुनीब ने होटल पता की थी और बहुत मुश्किल से अगर हम पहुँचे मैप के जरिए। हाँ मुनीब, कैसा लगा खाना? जबरदस्त खाना था, अच्छा खाना था, यहाँ का सोच से अच्छा खाना था। मैं आपको कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा खाना था, मज़ा आया और बहुत अच्छे रेस्टोरेंट बनाया, बहुत बड़ा बनाया, अच्छा लगा, टेस्ट अच्छा था। चलिए हम यहाँ से हम निकल लें होटल की तरफ। हम रेस्टोरेंट से होटल आ गए थे और इस्लामाबाद में बिल्कुल भी रौनक नहीं होती जैसे कराची में। 3-4 बजे रात में निकले तो बहुत रौनक होती है और मज़ा आता है, और कराची में जैसे रात भी दिन होता है, लेकिन इस्लामाबाद में बिल्कुल सन्नाटे हो जाते हैं। आपको ये ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।